भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के घर में एक नई खुशियां दस्तक दे रही है। विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है और जल्द ही मां बनने वाली है। इसके बाद दोनों के फैंस में खुशी की लहर है। बॉलीवुड को भी नन्हे तैमूर के आने के बाद इस कपल से खुशी की खबर का इंतजार था। विराट ने खुद के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी भी साझा की। इनके साथ ही प्लेयर्स ने विराट और अनुष्का को बधाई भी दी। वहीं कुछ यूजर्स ने चुटकी लेते हुए पीएम मोदी की लाइनों को यहां फिट कर दिया कि आपदा को अवसर में बदला डाला। वहीं कुछ यूजर्स ने चुटकी लेते हुए पीएम मोदी की लाइनों को यहां फिट कर दिया और कहा कि आपदा को अवसर में बदल डाला। शुरुआत करते हैं उन्हें बधाई देने वालों की, तो उनके पार्टनर और इंडियन टीम के वॉइस कैप्टन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने उनकी नई पारी के लिए विराट को बधाई दी। क्रिकेट टीम के सदस्य प्रज्ञान ओझा ने दोनों को आगामी खुशियों के लिए बधाइयां दी। अब उनके फैंस ने चुटकी लेते हुए कहा कि विराट ने आपदा को अवसर में बदल दिया। मजाकिया लहजे में कहा जाए तो कहने का सीधा मतलब लॉकडाउन का सदुपयोग करने से है। इस तरह की कई इमेज उनके फैंस ने पोस्ट की है। अब उनके फैंस ने चुटकी लेते हुए कहा कि विराट ने आपदा को अवसर में बदला है। कुछ यूजर्स ने मजे लेते हुए लिखा कि लॉकडाउन का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। वहीं मंदार श्राफ नाम के यूजर ने कहा कि क्रिकेटर होगा या एक्टर, हर माता पिता की तरह इंजीनियर या डॉक्टर। एक फैन से एक छोटे बच्चे के बैटिंग करने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक फैन से एक छोटे बच्चे के बैटिंग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तीन के बच्चे का ये टैलेंट है। एक यूजर ने कहा कि इसका मतलब आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज नहीं खेलोगे। जबकि एक यूजर ने नेपाली प्रधानमंत्री ओली के मजे लेते हुए लिखा कि विराट कोहली का बच्चा भी नेपाली होगा। भगवान राम के नेपाली होने और अयोध्या नेपाली में होने के लिए को लेकर ओली काफी वायरल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।